नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो आलमिक समय। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल खास पौधे से परिचित कराने वाला हूं मैं आप लोगों को। एक और नए पौधे से रूबरू करा के आज उसकी गुणधर्म औषधि प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे वीडियो की जानकारी तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर रोजाना दमदार औषधि प्रयोग लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोग को बताते हैं, इस नए पौधे से परिचित कराते हैं और इसके गुणधर्म के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस पौधे को अच्छे से देखिए, सर से लेकर पांव तक के मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके पत्ते जो अभी आप देख पा रहे हो इस तरह से दिखाई देता है, और इसमें फूल भी आया था, लेकिन ये फूल जो आप देख रहे हो सूखा हुआ, ये सूखा हुआ फूल है। इसका फूल गुच्छों में इस तरह से आता है, और जब फूल लगता है इसमें तो बहुत ही सुनहरा दिखता है। तो अभी क्या है कि इसमें फूल आकर के सूख गया है, इसलिए इसका सूखा फूल आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसी में इसका छोटा छोटा बीज होता है। और इसके पत्ते अभी देख पा रहे हो आप, यह बरसात के मौसम में पैदा होता है और ठंड ऋतु में यह ज़्यादा हरा भरा रहता है। उसके बाद जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो इस तरह से अभी जब दिखाई दे रहा है उस तरह से दिखाई देता है। तो आप लोग इसे देख करके मेरे ख्याल से पहचान गए होंगे, और आपके आसपास में भी होगा यह बहुत सारा। तो इस पौधे को अरड़ी का पौधा कहा जाता है दोस्तों, और इसे संस्कृत में अग्निमंत कहा जाता है। अग्निमंत शायद इसलिए कहा जाता है कि इसकी दो डंडियों को, टहनियों को तोड़ करके आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाता है। प्राचीन काल में लोग ऐसी ही टहनियों को तोड़ तोड़ करके आपस में रगड़ करके अग्नि पैदा करते थे। तो इसलिए शायद अग्निमंत इसी अग्नि उत्पन्न करने की वजह से नाम पड़ा है। और इसके पत्ते में बहुत ही ज़बरदस्त एक तीव्र गंध होती है दोस्तों, इतना तेज गंध होती है कि इसको आपस में रगड़ के सूंघने से पत्ते को सर दर्द ख़त्म हो जाता है, सर्दी जुकाम नज़ला तुरंत ठीक होने लगता है। इतना तेज गंध होता है, इतना तीव्र होता है कि पूछो मत। इसको रगड़ के आप एक बार पत्ते को सूंघना बस। और इसके पूरे पंचांग को, जैसे जड़ मूल तना फूल पत्ती, हर एक भाग को थोड़ा थोड़ा ले करके पूरे पंचांग को एक साथ मिला करके इसमें तिल का तेल डाल करके, मतलब इसके पूरे पंचांग को ले लीजिए और तिल का तेल मिला लीजिए आपके ज़रूरत के हिसाब से, थोड़ी बहुत 20-50 ml की मात्रा में जितना चाहें, और उसको अच्छे से एक साथ खौलाते हुए उबालिए, और पूरी तरह से उबाल के इसके पूरे पंचांग को उस तिल के तेल में या फिर सरसों के तेल में उबाल करके जला लीजिए। और पूरी तरह से जब जल जाए तो उसको उसी में अच्छे से घोटाई करके उसको एक साथ मिश्रण कर लीजिए, और उसको अच्छे से एक बार फिर से छान लीजिए। अब उस तेल को आप, जिसको लकवा, गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द होता है, उन सभी अंगों में आप मालिश करा सकते हो। इससे उनका शरीर फिर से सेहतमंद होगा, और उसके नस नस में, अंग अंग में खून तेजी से दौड़ेगा, रक्त संचार बढ़ेगा। यह दर्द निवारक एक अचूक तेल तैयार हो जाता है इसके पूरे पंचांग को तिल या सरसों के तेल में पका करके उपयोग करने से। अब मैं आप लोग को इसके पत्ते का और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ। इसके पत्ते का रस आप फोड़ा फुंसी, दांत, खाद, खुजली में भी लगा सकते हो। इतना तेज है कि इसके पत्ते को रगड़ने से दांत का नामो निशान मिट जाता है। इसके और भयंकर फायदे सुनिए। इसके पत्तियों का, ताज़ा पत्तियों का रस निकाल के एक चम्मच यदि बुखार से पीड़ित व्यक्ति को खाली पेट दे दिया जाए तो उसका बुखार तुरंत उतरने लगता है, इतना तेज होता है इसके पत्तों में। अगर इनके पत्तों को सुखा करके पाउडर करके रख लिया जाए, और जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा है तो उसे मासिक धर्म के दौरान 4-5 दिन, मासिक धर्म खत्म होने के बाद, यानी मासिक धर्म जब चालू हो उसके बाद स्नान करने के 4-5 दिन बाद इसके पत्ते को रोज़ाना 1 सप्ताह तक खिलाने से, पत्तों का पाउडर को, मतलब इसके पत्ते के पाउडर को 1 सप्ताह खाली पेट 1-1 चम्मच यानी 5 ग्राम की मात्रा में खिलाने पर हर प्रकार की गर्भाशय की समस्या दूर हो जाती है, और बांझ स्त्री भी गर्भधारण कर सकती है। तो इस तरह से यह गर्भाशय की हर समस्या को सुधार देता है इसका पत्ता का पाउडर। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसका एक और ज़बरदस्त फार्मूला बता रहा हूँ डायबिटीज़ वालों के लिए, मधुमेह कंट्रोल करने के लिए। जिनको डायबिटीज़ हो, मधुमेह, शुगर लेवल बहुत हाई रहता हो, तो वे लोग सुबह सुबह इसके पत्तियों का रस निकाल करके 2-3 चम्मच, ज़्यादा नहीं, और उसमें 1-2 बूंद नीम के ताज़ा पत्तियों का रस मिला लें। उसके बाद इसको 1 गिलास पानी में घोल करके सुबह खाली पेट पी जाएँ। इस तरह से अगर आप
रोज़ाना करते हो तो निश्चित रूप से आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा और आप शुगर के भी सभी परेशानियों से मुक्त रहोगे। सुबह सुबह खाली पेट इसकी ताजी पत्तियों को चबा करके खाने से पेट संबंधी समस्त रोग दूर होते हैं और कैंसर से भी बचा जा सकता है। मुख के कैंसर में भी आप इसके पत्ते को चबा करके मुख के समस्त प्रकार के रोग को दूर कर सकते हो। मुंह में सिर्फ चबाने से, मुंह में डालने से इसके पत्तियों को मुंह का छाला ठीक हो जाता है। भयंकर सर दर्द होने पर इसके पत्ते को पीस कर माथे पर लेप करने से भी सर दर्द खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसकी जो जड़ का एक बहुत ही असरदार और चमत्कारी प्रयोग है, उस प्रयोग को आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी जड़ को आप उखाड़ के, खोद के, जैसे भी चाहें निकाल लें और निकालने के बाद उसकी जड़ को छोटे छोटे काट करके छाया में सुखा लें। 2-3 दिन में सूख जाएगा। उसके बाद उसे पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद शुद्ध सरसों के तेल में 2-3 घंटे पकाना है, मतलब पूरी तरह से इसके जड़ को सरसों के तेल में जला देना है। उसी में राख खाक हो जाने दें। उसके बाद अच्छे से उसकी घुटाई कर दें जड़ को सरसों के तेल में, और उसको भी जैसा मैं पहले बताया उसी तरह से उसको भी छान करके रख लें किसी शीशी में, और उसको भी आप चाहें तो लकवा, बात, गठिया, साइटिका, जितने भी जोड़ों के दर्द के तकलीफ वाले व्यक्ति हैं जो हाथ पैर में शिथिलता लिए घूमते रहते हैं, उनकी हाथ पैर चलता नहीं है, ठीक से कार्य नहीं करता है, उनकी नसों में ठीक से खून नहीं दौड़ पाता है, तो इन सभी पैरालिसिस लोगों के लिए यह बहुत ही अचूक अच्छी औषधि है। और इसी तेल को अगर आप, जो व्यक्ति शादीशुदा है और बचपन की गलतियों के चलते या फिर किसी और अन्य वजह से नसों में कमजोरी आ गई है अपने लिंग में, तो उस लिंग में भी जो कमज़ोर लिंग होता है उस लिंग में भी आप इस तेल को रोज़ाना सोते समय मालिश कीजिए। और जब तक मालिश करते रहो तब तक कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस तेल को रोज़ाना 15 से 20 दिन अगर इस्तेमाल कर लेते हो, मालिश कर लेते हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो निश्चित रूप से कमज़ोर लिंग भी कठोर मजबूत लोहे जैसा हो जाता है और इसकी कार्य क्षमता और समय भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप नसों की कोई भी समस्या हो उस समस्या में इस तेल को लगा करके नसों को फिर से एक्टिव और मजबूत बना सकते हो और रक्त संचार तेज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से यह अरड़ी का, पौधे की जड़ का और इसके पूरे पंचांग का फ़ायदा होता है जिस तरह से मैंने आपको बताया। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।